हम वाक्य की परिभाषा और वाक्य के कौन से भेद है अभी यहाँ पे वाक्य के दो प्रकार के भेद आते हैं रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार तो ये भी हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं तो वाक्य की परिभाषा क्या है हर लैंग्वेज हम बोलते हैं हर भाषा बोलते हैं तो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य का अर्थ क्या है परिभाषा क्या है शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं लेकिन सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला कि शब्दों का समूह वाक्यों में होता है लेकिन उसका एक अर्थ होता है हर वाक्य में अलग अलग अर्थ प्रतीत होते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो आकाश भागता रहता है शाम पढ़ाई करता रहता है तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में जो शब्द आए हैं इन शब्दों से हमें कुछ अर्थ प्राप्त हो रहा है कि आकाश भागता रहता है आकाश के बारे में जानकारी मिली है कि वो भागता रहता है या फिर शाम पढ़ाई करता रहता है इस प्रकार जो वाक्य है तो पदों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वह वाक्य कहलाता है अभी वाक्य में अलग अलग शब्द है लेकिन उनका व्यवस्थित समूह रहता है कि उनको कर्ता कर्म क्रिया इस ऐसे उनको अरेंज करके ही वाक्य बनाया जाता है वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय वाक्य भे, वाक्य भेद जो है वो दो प्रकार के हैं जैसे मैंने बताया अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो देखेंगे तो हमने देखा है वाक्य में उद्देश्य और विधेय आता है तो उद्देश्य का क्या मीनिंग है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए कर्ता हम देखते हैं वाक्य में कर्ता रहता है जिसके विषय में हम कुछ जानकारी देती है वह उद्देश्य कहलाता है और उस कर्ता को उद्देश्य कहते हैं ठीक है थीके? जैसे यहाँ पे उदाहरण है दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया हाँ इस वाक्य में आप देख सकते हो दशरथ पुत्र राम ये जो कर्ता है उसे हम यहाँ पे उद्देश्य कहते हैं क्योंकि दशरथ पुत्र राम के बारे में ही वाक्य में बताया जा रहा है तो यह है उद्देश्य और रावण को मार गिराया किसको मार गिराया तो यह रावण को मार गिराया विधेय है मतलब विधेय का मीनिंग क्या है उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए क्रिया वह विधेय कहलाता है हम देखते हैं कि वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया आते ही है और उनसे ही अर्थपूर्ण वाक्य बनता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं, सबके मन को भाते हैं यह है विधेय की वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा है वह विधेय कहलाता है तो हमने देखा है कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं। अभी हिंदी के वाक्य रचना हम देखेंगे तो उसमें कर्ता कर्म और क्रिया इस प्रकार वाक्य रचना की जाती है तो ये जो वाक्य है हम बोलते समय लिखते समय ये अलग अलग वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो ये वाक्यों के कुछ भेद है वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अभी ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है यहाँ पे आठ भेद आते हैं वाक्य के और ये जो दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो इसमें तीन प्रकार आते हैं तीन भेद आते हैं तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है पहला है सरल वाक्य दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य ठीक है तो हम सरल वाक्य अभी सरल वाक्य शब्द से ही हमें जानकारी मिल रही है कि सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य व एक ही विधेय आता है देखो सरल वाक्य जो है उसमें एक उद्देश्य आता है एक विधि आता है मतलब यहाँ पे सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है सरल वाक्य में कर्ता कर्म विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण सभी आ सकते हैं ये जो सरल वाक्य हम लिखते हैं बनाते हैं तो उसमें कर्ता कर्म विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण सभी आते हैं लेकिन यहाँ पे एक बात आपको नोट डाउन कर के रखनी है लिखना है आपको लिख के रखो कि सरल वाक्य में एक ही विधेय आता है मतलब एक ही क्रिया दी जाती है सरल वाक्य में तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं उसके पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई हाँ, यहाँ पे बारिश हो रही है बारिश शुरू हो गई है यह जो क्रिया है यहाँ पे बताई है इस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही कर्ता एक ही कर्म और एक ही क्रिया है उसने घर आकर भोजन किया तुमने अच्छी घड़ी खरीदी है मैंने वहां एक धष्टपुष्ट व्यक्ति को देखा भारतीय सैनिकों की बराबरी कोई नहीं कर सकता ये सब वाक्य जो हमने देखे है आप देखोगे एक ही क्रिया आई है विधेय भी एक ही होता है इसमें ठीक है इसके कुछ नियम है वो भी हम देखेंगे कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं ये जो सरल वाक्य है उनको साधारण वाक्य भी कहते हैं सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है और ये जो सरल वाक्य है इसमें विधेय क्रिया मुख्य क्रिया जो है वो एक ही होती है सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि कर्ता जो है सरल वाक्य में वो एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया जो है मुख्य क्रिया वो एक ही होगी सरल वाक्य छोटे भी हो सकते हैं और लंबे भी अभी ऐसा नहीं समझना है कि छोटा वाक्य तो सरल वाक्य सरल वाक्य छोटे भी होते हैं और लंबे भी हमें इस गलत फेमे में नहीं रहना चाहिए कि सरल वाक्य हमेशा छोटे ही होंगे एक क्रिया आ रही है तो वो छोटे ही होंगे ऐसा नहीं समझना है हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया केवल एक ही होगी ये आपको नोट डाउन करना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया केवल एक ही होती है तो इससे आप आपको जो वाक्य दिए है वो सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है इजिली आप पहचान सकते हो ठीक है उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे राधा गाती है इस वाक्य में राधा उद्देश्य अथवा करता है और गाती है है यह क्या क्या वाक्य का अंश राधा राधा के बारे में बता रहा है। देखो राधा क्या क्रिया कर रही है ये गाती है इस शब्द से हमें जानकारी मिल रही है तो गाती है विधेय अर्थात क्रिया है और क्रिया एक ही है अतः यह सरल वाक्य अभी राधा गाती है यह वाक्य सरल वाक्य क्यों है यहाँ पे एक करता है लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है राधा के बारे में जो गाने की क्रिया बताई है विधेय बताया है तो वो एक ही है इसीलिए यह सरल वाक्य है दूसरा वाक्य है नील और शौर्य पढ़ रहे है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि नील और शौर्य ये दो कर्ता आए है, है यहाँ पे लेकिन क्रिया पढ़ने की दोनों ने एक ही क्रिया की है पढ़ने की एक ही क्रिया संपन्न हो रही इसलिए यह सरल वाक्य होता है ठीक है सरल वाक्य के और कुछ उदाहरण हम देखेंगे लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे अब ये देखो ये वाक्य एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे यहाँ पे एक ही क्रिया हुई है तो ये भी सरल वाक्य है सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं हमारा दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य अभी आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है।, संयुक्त वाक्य जो है उसमें एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं देखो अभी सरल वाक्य में हमने देखा एक ही वाक्य आता है लेकिन संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से जुड़कर बना वाक्य होता है और इसमें जो... किंतु परंतु बल्कि और अथवा तथा या इसलिए अन्यथा आदि शब्दों से ये वाक्य जुड़े होते हैं ये आपको मैंने जो अंडरलाइन किया है ये नोट डाउन करना है कि सरल वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं और आ, सरल वाक्य जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे किंतु परंतु बल्कि और अथवा तथा या इसलिए अन्यथा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट डाउन करनी है याद रखनी है कि सरल वाक्य पहचानना है तो ये शब्द उसमें आए ही होंगे ये योजक शब्द है दो वाक्य जोड़ने के लिए ठीक है संयुक्त वाक्य में जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं वाक्य और किंतु अथवा परंतु या अन्यथा इसलिए आदि योजक शब्दों द्वारा जोड़ी जाती है ये जो योजक शब्द है समुच्चय बोधक है ये सब तो ये आपको याद रखने हैं संयुक्त वाक्य में कौन से योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये आपको याद रखना है ठीक है तो इसके हम उदाहरण देखेंगे पहला उदाहरण है देखो वह लाइब्रेरी गया और पुस्तक पढ़ने लगा हाँ अभी इस वाक्य में आप देख सकते हो वह लाइब्रेरी गया पुस्तक पढ़ने लगा ये दो दो जो वाक्य है दो वाक्य जोड़ने का काम और इस योजक शब्द ने किया है मतलब दो अलग अलग वाक्य हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं वह लाइब्रेरी गया पुस्तक वह पुस्तक पढ़ने लगा तो इससे हम संयुक्त वाक्य बना रहे वह लाइब्रेरी गया और पुस्तक पढ़ने लगा तो इस प्रकार दो वाक्य समुच्चे बोधकों से हम जोड़ते हैं योजक शब्दों से जोड़ते तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है दूसरा उदाहरण है देखो आप चाय पियेंगे या कॉफी कॉफी ले आऊ आप चाय पियगे कॉफी ले आऊ ये जो वाक्य है ये या इस योजक शब्द से हमने जोड़े है वह मेहनती है इसलिए पराजय स्वीकार नहीं करता अभी वह मेहनती है यह वाक्य है और पराजय स्वीकार नहीं करता यह जो दूसरा वाक्य है तो इन दोनों वाक्यों की जोड़ने के लिए इसलिए इस योजक शब्द का हमने प्रयोग किया है कौआ पेड़ पर बैठा और काव काव करने लगा अभी है. और दूसरा जो वाक्य उपवाक्य है देखो वह कौवा पेड़ पर बैठा अभी बैठने की क्रिया वहां पे हुई है और काव काऊ करने लगा यह दूसरी भी क्रिया यहाँ पे आई है तो ये दोनों वाक्य यहाँ पे और शब्द से हमने जोड़े हैं है. कौवा पेड़ पर बैठा और काव काव करने लगा वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे देखो वर्षा हुई पक्षी चहचहाने लगे तो इन दोनों वाक्यों को भी हमने और इस योजक शब्द से जोड़ा है और यह संयुक्त वाक्य बनाया है अभी संयुक्त वाक्य के जो नियम है वो आपको ध्यान में रखने की संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आ सकते हैं देखो सरल वाक्य में हमने देखा एक ही वाक्य आता एक ही क्रिया आती लेकिन संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक भी स्वतंत्र वाक्य आते हैं और ये जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र आए है उन्हें किंतु परंतु और तथा इसलिए या अथवा अन्यथा इन योजक शब्दों से जोड़ा जाता है और इसमें से योजक शब्द जो है जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो समुच्चय बोधक अव्य भी होते हैं। यहाँ पे संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखो मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका अभी यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य है मुझे बुखार था मैं विद्यालय नहीं जा सका इसलिए इस योजक ouais शब्द से हमने इन दो वाक्यों को जोड़ के एक ही वाक्य बनाया है मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो वह बाजार गया है उसने सामान खरीदा है लेकिन इनका एक संयुक्त वाक्य बनाते समय हमने बनाया है कि वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा तीसरा जो वाक्य है मजदूर मेहनत करता है उसे लाभ नहीं मिलता अभी ये दोनों वाक्यों को हमने परंतु इस योजक शब्द से जोड़ा है तो संयुक्त वाक्य बन गया मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता ठीक है बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया बादल घिरे है और अंधेरा भी छा गया है तो इनका संयुक्त वाक्य बन गया बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया तो इस प्रकार हम ये संयुक्त वाक्य बना सकते हैं संयुक्त वाक्य के और भी कुछ उदाहरण आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया हाँ यहाँ पे भी और यह योजक शब्द आया है रमजानी चुप खड़ी और आगंतुक की बातें सुनती रही देखो चुपचाप खड़ी रही है और बातें भी आगंतुक की बातें भी सुनती रही है और इस योजक शब्द से ये वाक्य जोड़ा है बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है बाबूजी जी इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी अभी इस वाक्य में आप देख सकते हो बाबूजी जी इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे यह एक वाक्य हो गया और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी दूसरा वाक्य हो गया लेकिन ये दोनों वाक्य जो है और इस योजक शब्द से जोड़े है तो ये संयुक्त वाक्य है तीसरा वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य अभी मिश्र वाक्य की परिभाषा हम देखेंगे वे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य मिश्र वाक्य में क्या है एक मुख्य वाक्य वो एक या एक से अधिक गौन उपवाक्य होते देखो मिश्र वाक्य में भी एक दो वाक्य होते हैं लेकिन संयुक्त वाक्य में हमने देखा है दो स्वतंत्र वाक्य होते थे मिश्र वाक्य में वैसा नहीं है मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य है और एक गौन उपवाक्य है मतलब उसपे आधारित ये दूसरा वाला वाक्य आता है गौण उपवाक्य मुख्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होती जो है जो मुख्य वाक्य है पे आधारित ये दूसरा वाक्य आता है वाक्य में ठीक है यहाँ पे स्वतंत्र वाक्य नहीं आते हैं जो मुख्य वाक्य आया है उस पे ही आधारित दूसरा गौण उपवाक्य उपवाक्य उसपे आधारित आता है ये वाक्य अभी यहाँ पे भी ये वाक्य जोड़ने के लिए कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जैसा वैसा जब तब यदि तो चूंकि इसलिए आदि योजक शब्दों से ये वाक्य जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य के लिए अलग योजक शब्द है और मिश्र वाक्य के लिए अलग योजक शब्द है ये आपको ध्यान में रखने ये नोट डाउन करना है कि इस वाक्य में कि जैसा वैसा जब तब यदि तो चूंकि इसलिए आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे उदाहरण है जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं अभी देखो जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं हाँ ये मुख्य वाक्य है अवश्य सफल होते कौन अवश्य सफल होता है तो जो परिश्रम करते मतलब ये वाक्य उपवाक्य है और वे वे जो और, वे, और ये योजक शब्द यहाँ पे आए हैं जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा शुरू हो गई देखो अभी जैसे ही वो घर से निकला जैसे और वैसे ये शब्द आए है वैसे ही वर्षा शुरू हो गई वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी अभी वह बाजार क्यों गया है क्योंकि उसको पुस्तकें खरीदने थी क्योंकि यह शब्द आया है यहाँ पे इस वाक्य को जोड़ने के लिए जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चल पड़ी अभी जो और त्यो ये दोनों शब्द ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने प्रयोग किए हैं जब सभा समाप्त हुई तब लोग अपने घर की तरफ चल दिए अभी ये जो मुख्य वाक्य जब सभा समाप्त हुई सभा समाप्त होने के बाद क्या हुआ है तो लोग अपने घर की तरफ चले गए तो इस प्रकार यह मिश्र वाक्य है मिश्रवाक्य के भी कुछ नियम है ये भी आपको नोट डाउन करने हैं देखो मिश्रवाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं अभी जैसे हमने परिभाषा में देखा है कि मिश्रवाक्य जो है एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा एक, एक या फिर एक से अधिक उपवाक्य होता है इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है पर आश्रित होते हैं और जो उपवाक्य है वो मुख्य वाक्य पर आश्रित 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 होता है जो उपवाक्य उपवाक्य होते हैं उन्हें भी कहते हैं ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं अभी इसके मिश्र वाक्य के जो योजक चिन्ह है जो जब तब जहाँ वहां की क्योंकि ये सब योजक चिन्ह आपको याद रखने हैं वाक्य में ये योजक चिन्ह आते हैं जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई देखो अभी गीता प्रथम आई है लेकिन कब प्रथम आई जब गीता ने मेहनत की तो जब और तब यह योजक चिन्ह आए है ये मिश्र वाक्य जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं अभी जो छात्र परिश्रम करते हैं कौन सफल होता है जो छात्र परिश्रम करते वे ही सफल होते तो जो और वे योजक चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया अभी सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा छा जाता है तो इसके लिए हमने ये मिश्र वाक्य बनाया है कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया चौथा वाक्य यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है अभी वह दुबला पतला है इसका अर्थ क्या है वह ताकतवर है तो यद्यपि और तथा पी ये दोनों शब्द यहाँ पे आए हैं इस वाक्य को जोड़ने के लिए वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है वह विद्यालय नहीं आया देखो मुख्य वाक्य है और उपवाक्य क्या है वह बीमार है तो क्यों विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है यह क्योंकि योजक शब्द का प्रयोग हमने किया है यह मिश्र वाक्य है मिश्र वाक्य के उदाहरण हमने देखे है आपको ये जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के जो योजक चिन्ह है योजक शब्द है वो आपको नोट डाउन करने हैं याद रखने हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो कुछ सेंटेंस देख सकते हो हमारी जो कृति पत्रिका है उसमें व्याकरण में वाक्य के भेद इस टॉपिक टौक, पे आपको दो अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं एक अंक के लिए रचना के आधार पर और एक अंक के लिए अर्थ के आधार पर अभी अर्थ के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? देखो आपको वाक्य दिया जाता है और वो वाक्य पहचान कर सिर्फ आपको उसका प्रकार, कौन सा भेद है वो नाम लिखना है उत्तर में लिखते समय आपको ये वाक्य लिख के उसका कौन सा भेद है वो नाम लिखना है ठीक है तो पहला वाक्य हम देखेंगे भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं हाँ इस वाक्य में हम देखेंगे कि एक ही क्रिया है तो ये सरल वाक्य है भारतीय चरित्र के पवित्र होते यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य नहीं या फिर कोई योजक शब्द नहीं है मतलब ये सरल वाक्य है दूसरा प्रश्न है बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा देखो किंतु इस योजक शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है बादल आए पानी नहीं बरसा ये अलग अलग वाक्य है लेकिन किंतु इस योजक शब्द से उनको हमने जोड़ा है तो यह हो गया संयुक्त वाक्य आप खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया देखो जब आप खुली है तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया तो इस प्रकार यह वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। चौथा वाक्य है सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है यह भी सरल वाक्य है और भी कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पे देख सकते हो डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद दिया अभी देखो पर यह योजक शब्द यहाँ पे आया है वाक्य पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य है डॉल्फिन मछलियां छोटी थी बच्चों को आनंद आया अभी बच्चों को कौन से खेलने से भी आनंद आता है मछलियां देखने से आनंद आया है ये दो अलग अलग वाक्य है लेकिन पर इस योजक शब्द से ये जोड़े है तो ये संयुक्त वाक्य होता है कि डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया संयुक्त वाक्य उथला बीज बेनालियम मछुआरों की पहली पसंद है अभी देखो सरल वाक्य है ये इसमें बताया है कि उथला बीज बेनालियम मछुआरों की पहली पसंद है तीसरा वाक्य है आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई अब देखो आज नैनू मत रही थी तुम्हारी याद आई ये जो दोनों वाक्य है तो तो इस आ, योजक शब्द से जोड़े हैं और ये दूसरा वाक्य जो है इस पे डिपेंड है हाँ? तो ये आज नैनो मत रही थी तो याद है। तुम्हारी याद आई तुम्हारी याद कब आई तो आज नैनो मत रही थी तो तो ये मिश्र वाक्य मैंने कोई पाप नहीं किया और न कोई चोरी की है अभी देखो यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य हमें दिख रहे थी मैंने कोई पाप नहीं किया न कोई चोरी की है मतलब मैंने कोई चोरी भी नहीं की और कोई पाप भी नहीं किया दो अलग अलग वाक्य है और और इस समुच्चय बोधक शब्द से ये जोड़े हैं तो ये संयुक्त वाक्य में आता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया और न कोई चोरी की है यह संयुक्त वाक्य बन गया उमा से कह देना कि जरा करीने से आए देखो अभी उमा से कह देना कि की, की यह योजक शब्द यहाँ पे आया है कि जरा करीने से आए ये हो गया मिश्र वाक्य और कुछ उदाहरण हम देखेंगे इसी लड़के को पुरस्कार मिला था तो यह जो वाक्य है इसी लड़के को पुरस्कार मिला था यह सरल वाक्य है पुरस्कार मिलने की क्रिया दी है यहाँ पे उस इसी लड़के को मिला है तो यह सरल वाक्य में आएगा दूसरा है मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए अभी देखो अभी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में आपको ये बातें ध्यान में है यहाँ पे संयुक्त वाक्य में क्या होता है दो स्वतंत्र वाक्य आते हैं कि मजदूरों ने गड्ढा

इससे हीन दृष्टि से देखते मतलब काम को हीन दृष्टि से देखते तो और शब्द से ये तो वाक्य जोड़ के हमने संयुक्त वाक्य बनाया है पांचवा वाक्य हमारी विचारधारा में बड़ा भारी दोष है देखो हमारे विचारधारा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है बड़ा भारी दोष यह सरल वाक्य है सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा अभी इस वाक्य में देखो ये वाक्य बड़ा है लेकिन एक ही क्रिया प्रश्न सुलझाने की जो क्रिया है वो यहाँ पे हो रही है तो सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा यह सरल वाक्य है उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली जो खाली थी देखो अभी उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली कौन सी पीपिया जो खाली थी तो यह मिश्र वाक्य है कनस्तरों को ढूंढा मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला देखो अभी कनस्तरों को ढूंढा मटकों को ढूंढा कहीं कुछ नहीं मिला इस परंतु इस योजक शब्द से ये जोड़ा है तो ये हो गया संयुक्त वाक्य उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया यह है सरल वाक्य अभी यहाँ पे हम देख सकते रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं देखो एक ही क्रिया दिया है यहाँ पे ये यह सरल वाक्य आएगा हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई हेमंत ऋतु बीत गई शिशिर ऋतु ऋतु आ गई ये दो अलग अलग वाक्य है लेकिन और इस शब्द से ये जोड़े है तो ये वाक्य आता है संयुक्त वाक्य में कि हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई एक ही वाक्य हम बोलते तो ये संयुक्त वाक्य लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था यहाँ पे पढ़ना शुरू किया था यह जो क्रिया है वो बताई है तो ये सरल वाक्य है पत्रों का संग्रह बहुत है लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है अभी पत्रों का संग्रह बहुत है यह व्यवस्थित नहीं है अभी यह व्यवस्थित नहीं है मतलब काम व्यवस्थित नहीं है आ, क्या व्यवस्थित नहीं है तो यह दोनों स्वतंत्र वाक्य लेकिन लेकिन इस शब्द से अः यह वाक्य हमने जोड़ के एक संयुक्त वाक्य बनाया है कि पत्रों का संग्रह बहुत है लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है इस प्रकार हम ये सब वाक्य के जो भेद है वो पहचान सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे एक और भोरे का गुंजार है और दूसरी और पतझड़ अभी देखो इस वाक्य में एक और भोरे की गुंजार भोरे का गुंजार है दूसरी और पतझड़ ये दोनों वाक्य और इस शब्द से जोड़ दिए हैं और ये संयुक्त वाक्य हमने बनाया है कि एक और भोरे का गुंजार है और दूसरी और पतझड़ नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है अभी देखो जो यह योजक शब्द यहाँ पे आया है मैं वह सौगन नहीं बेचूंगा कौन सी सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है तो इस प्रकार ये है मिश्र वाक्य मतलब आपको यहाँ पे तीनों जो भेद है उनकी परिभाषा और जो योजक शब्द बताए हैं वो याद रखने हैं सरल वाक्य में हमने देखा है कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं संयुक्त वाक्य जो है संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक आ, सरल वाक्य आते हैं दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आते हैं और उनमें समुच्चय बोधक शब्दों का योजक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और परंतु तथा या आदि इसलिए इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं और जो मिश्र वाक्य है वाक्य में हमने देखा है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है मुख्य वाक्य होता है और उस, उस पे आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है उसे वाक्य कहते हैं वाक्य में जब तब क्योंकि की इस प्रकार के योजक शब्द आते हैं ये आपको बातें याद रखनी है ठीक है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप और कुछ उदाहरण देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको देखो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं कि सरल वाक्य दिया है सपोज आपको ये उसका संयुक्त वाक्य आप कैसे लिख सकते हो देखो उसने घर आकर भोजन किया अभी भोजन करने की क्रिया है यहाँ पे इस सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे यहाँ पे संयुक्त वाक्य में हमें दो क्रिया दिखानी पड़ेगी ठीक है तो वह घर आया और उसने भोजन किया देखो सरल वाक्य में तो एक ही क्रिया हमने बताई थी कि उसने घर आकर भोजन किया लेकिन संयुक्त वाक्य सेम वाक्य का संयुक्त वाक्य हम बनाते समय वह घर आया और उसने भोजन किया मतलब घर आने की और भोजन करने की दो क्रियाएं हम यहाँ पे दिखा सकते दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हो कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया हाँ सरल वाक्य बाजार जाने जाने की एक ही क्रिया है लेकिन उसका संयुक्त वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं? उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया देखो उसे फल खरीदने थे वह बाजार गया दोनों वाक्यों को हमने इसलिए शब्दों से शब्द से जोड़ा है और उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया इस प्रकार हमने संयुक्त वाक्य बनाया है अभी तीसरा जो है मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है सरल वाक्य है वो हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है देखो इस वाक्य में परिवर्तन हमने कैसे किया है कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शब्द का हमने प्रयोग किया है और वो शास्त्री जी के यहाँ गया है रात को आकाश में तारों का मेला लग गया हाँ सरल वाक्य है कि रात को आकाश में तारों का मेला लग गया तो इसका संयुक्त वाक्य हम बना सकते हैं कि रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया मतलब रात आने के बाद आकाश में तारों का मेला लग गया है पांचवा वाक्य आप देख सकते हो मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता अभी सरल वाक्य है इसका संयुक्त वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं कि मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता लेकिन यह योजक शब्द हमने यहाँ पे प्रयोग किया है कि मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसको लाभ उसे नहीं मिलता इस प्रकार हम वाक्य परिवर्तन भी कर सकते लेकिन हमें हमारे जो कृति पत्रिका है उसमें सिर्फ वाक्य का भेद पहचानने के लिए प्रश्न आता ही आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे बताया है आपको देखो सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है वो भी हम देखेंगे कि देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है यह सरल वाक्य है कि देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है मिश्र वाक्य हम कैसे बना सकते कि जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है देखो जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है दूसरा सरल वाक्य शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं तो इसका मिश्र वाक्य हम बना सकते कि जब शिक्षक रहते हैं तब छात्र शांत रहते हैं तीसरा वाक्य मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा तो इस सरल वाक्य का हमें मिश्र वाक्य बनाना है मोहन ने कहा कि ये की योजक शब्द यहाँ पे आया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए मोहन ने क्या कहा है मुझे जल्दी भोजन करना है चौथा वाक्य मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे तो इसका मिश्र वाक्य हम बना सकते कि जब जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे मतलब यहाँ पे जब और तब जो योजक शब्द है इनका प्रयोग किया है तो इस प्रकार आज हमने वाक्य के जो भेद है रचना के अनुसार आपको याद रखना है रचना के अनुसार हमने वाक्य के तीन भेद देखे हैं किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो सबको समझ में आया है किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो देखो रचना के आधार पर हमने वाक्य के तीन भेद देखे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य उनकी परिभाषा उनके जो नियम है और उदाहरण भी हमने देखे हैं। ओके okay. हेलो टीचर गुड मॉर्निंग यस यस टीचर आपने वो जो पीडीएफ दिया है वो पूरा लिखने का हम लोग को वो वाक्य लिखने का है उसका नहीं लिखने का Uh, आपको क्या करना है अभी जो वाक्य के भेद तीन भेद है हाँ हुँ. तीन भेद की परिभाषा उसके नियम जो मैंने योजक शब्द आपको बोला था नोट डाउन करो वो योजक शब्द आपको परिभाषा योजक शब्द और उसके उदाहरण ऐसे लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है हाँ तो टीचर वो आप हम लोग को पीडीएफ दे सकते स्कूल को सर सर को सेंड कर सकते हाँ ठीक है मैं मैडम से बात करती हूँ वैसा ओके ठीक है नेक्स्ट करके पूछ हाँ बिल्कुल यस yes, आपने आ, रेज uh, हैंड किया है मुग्धा देन मोहम्मद कैफ अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो आई थिंक हाँ जिन्होंने भी रेज हैंड किया है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुग्धा कैफ देन प्रियांशु ओके मैम वाइंड अप करें क्या किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करो और पूछो मैम स्टार्टिंग के आपने दो जो पेज स्लाइड दिखाए थे ना ने, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाया इसलिए समझा भी नहीं जस्ट वेट वाक्य की परिभाषा या मैं ओ 1 मिनट वो आपको समझने के लिए मैंने मतलब वाक्य क्या है उसके लिए बताया था जस्ट वेट मैं शेयर करती हूँ मैम फर्स्ट ये बोल रहे क्या ठीक है ओके okay. Okay, ma'am, we can wind up here. Yes, ma'am. Oh, thank you, okay. all thank students. You. Yeah, thank you so much. Thank you, students.